हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडर किचन। मैं रुचि, और आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही हेल्दी भी है, सॉटेड वेजीज। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। सॉटेड वेजीज के लिए हमें चाहिए बहुत सारी वेजिटेबल्स। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेल पेपर्स लिया है, कैप्सिकम जो येलो वाली होती है उसके स्लाइस कट कर लिए हैं, थोड़ी सी ब्रोकली ली है, रेड कैरेट, बेबी कॉर्न, बीन्स, मशरूम, सबके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। साथ में हम इसे बटर में या घी में बनाएंगे। मैंने होममेड घी लिया है, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन को गैस पे रखेंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए सोते होने देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें सारी वेजीज को सोते करना है। अब इसमें हम सबसे पहले कैरेट और मशरूम्स को डालेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे सोते करेंगे। हमें इस बार लेड लगाकर वेजिटेबल्स को सॉफ्ट नहीं करना है, ओपन में ही इसे हमें पकाना है। कैरेट और मशरूम दोनों ही टाइम लेते हैं सॉफ्ट होने के लिए, इसलिए सबसे पहले हम इसे सोते करेंगे। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे सोते करते रहेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम बेबी कॉर्न ऐड करेंगे और बीन्स ऐड करेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे सोते होने देंगे। ये देखिए, बेबी कॉर्न और बीन्स सोते हो गए हैं। अब इसमें हम ब्रोकली ऐड करेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए साथ में सोते करेंगे, जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। कैप्सिकम हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि कैप्सिकम बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। हमें इन वेजीज का सारा पानी अच्छे से ड्राई जब तक ना हो जाए तब तक सोते करते रहना है। ब्रोकली भी सोते हो गई है, अब इसमें बेल पेपर्स ऐड करेंगे और सॉल्ट पेपर डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए सोते करते रहेंगे, जब तक कि सारी वेजीज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और साथ में हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके बिना लेड लगाए हुए ओपन में ही सोते करते हुए सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए, सारी वेजीज सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये बहुत ही हेल्दी और सिंपल रेसिपी है। आजकल बच्चे घर पे वेजीज खाना नहीं चाहते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर देते हैं तो उनके लिए एक रेसिपी इंटरेस्टिंग हो जाती है और वो उसे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो ये एक रेसिपी ऐसी है जिसे आप जरूर घर पे ट्राई करें। अगर आप मॉर्निंग में सर्व कर रहे हैं तो इसे टोस्ट के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप इवनिंग में सर्व करना चाहते हैं तो सूप के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे जरूर ट्राई करें। ये सारी वेजीज अच्छे से सोते होके सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि एवरी मंडे और फ्राइडे शाम 5 बजे आप नए नए रेसिपीज देखते रहें और उसे ट्राई करके अपने वैल्यूएबल फीडबैक देते रहें।